उज़बीन शरजीम बसमीम नाजरन मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनामान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब नामा नाजरन कल हमने सूरह कहाफ के आखिरी दो रुकू पढ़े थे और उसके बाद सूरे ताहा सूर मरियम और सूर अम्बिया का एक इब्तई हिस्सा जो है हमने बड़ा हिस्सा पढ़ लिया था सूर कहफ के जो आखिरी रुकू है उसमें वाक़ुलकर का जिक्र आया ग्यारहवें रुकू में गालबन और इसके बाद सूर मरीम में सईदा मरियम और मसीह की जो विलादत है उसका पूरा किस्सा बहुत तफसील के साथ जिक्र हुआ इसी तरह सूरतहा सूरतहा में हज़रत मूसा का वाकया जिक्र हुआ उनकी किस तरीके से परवरिश और किफालत हुई और फिर उसके बाद फ़िरौन के दरबार में जो उनकी हाज़िरी हुई और फिर जादूगरों से मुकाबला और फिर हमने सूरह बिया पढ़ी सूरहबिया का भी कुछ हिस्सा रहता है कुछ हमने पढ़ लिया है और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इब्राहीम ने अपनी कौम पर एक तरह से इतमाम हजत किया और कौम के जो बुत हैं उनको तोड़ा उनकी जो एक बोधापन है उनके अकायद का वो उन पर वाजे किया तो इन्हीं तमाम मौजूद पर आज हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब नाजीन आप अपने सवाल हमें अपने फेसबुक के कमेंट सेक्शन में अरसाल कर सकते हैं ये प्रोग्राम शुभान मुसलिमीन के तमाम फेसबुक पेजेस से लाइव नशर किया जा रहा है और इसी तरह से जो जूम की हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं तो चलिए प्रोग्राम के बाब्ता हिस्से का आगाज़ करते हैं खालिद साहब पहला सवाल आया है सूर कहाफ की जो आखिरी हिस्सा है उस हवाले से और वहाँ पर याजूज माजूज का जिक्र आया तो ये बताइए कि क्या याजूज माजूज औलाद आदम में से ही हैं खैर तफसील से बात हो गई थी उधर मैंने जिक्र कर दिया है इसका कि मुख्तलिफ आ रहा है यानी कुछ लोगों के बातों से ये उन्होंने बाकायदा तो नहीं कहा लेकिन जिस तरह का उन्होंने तस्वूर पेश किए हैं तो लगता है कि कोई गैर गैरमरी मखलूक है अचानक जाहिर हो जाएगी तो इस तरह के ख़्यात भी बास जगहों पर पाए जाते हैं लेकिन यह कि तो यही कहना है कि ये औलाद आदमी हैं और अलबत् बाज आ रहा है, ऐसी दी गई है कि जिसमें ये कहा गया है कि ये आदम की औलाद तो हैं है हवा की औलाद नहीं है तो यानी कोई क्रॉस क्रॉस ब्रीड क्रास ब्रीड इस तरह का कोई मसला है तो कुरने मजीद ने उनका एक वस्फ बयान किया है कि वो युफून फिल फिल्जे मुफ्सदीन है जमीन में फसाद मचाते हैं यह उनका एक बुनियादी वस्फ़ बयान किया है अहादीस से पता लगता है कि वो इस्लाम भी ला सकते हैं ईमान भी ले आते हैं उनमें से तो ये तो बहुत वाज़े बात हो गई कि वो औलाद आदम ही है अच्छा उनकी कोई ऐसी वाज़े पहचान है जिससे यानी आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये शख्स जो है वो नहीं ना इस असल में देखें ये इस तरह तो वो आ, किसी ने तयन के साथ तो नहीं कहा एक अंदाजे हैं जो लोगों ने कायम किए और जिनका बहुत जी भी करता था कि भाई किसी पर फिट कर दें वो सारी बात तो उन्होंने भी फिट इस तरह की कि जनाब ये हमने एक बना दिया है आपके सामने तस्वर ये जिस पर फिट होता है आप खुद कर लें तो मतलब किसी ने खुद से यानी यानी इस तरह की बात हुई है कि जी यूरोपीय अकवाम है ये है सारा वो सारा ताना बुना उसी को सामने रख के बुना गया है लेकिन ये कि फिर कहा गया है अलबतः जैसे अब शायरी में तो इतना काम इम्कान नहीं होता कि आप इतनी वो उस तरह बात करें कानूनी पैरा में बात करें तो जैसे लामा इकबाल ने जिक्र कर दिया कि खुल गए याजूज मा व माजूज़ के लश्कर तमाम चश्मे मुस्लिम देख ले से उन्होंने इशारा बहुत वाजी है लेकिन उन्होंने भी तो कोई किसी का नाम तो नहीं दिया कि कौन कौन से लश्कर हैं जो याजूज मा माजूज़ के सही तो बहरा ज़्यादा जो हमारे वो है उनका जहन जो है ना इसी तरफ जाता है जो यूरोपी अवाम का सैलाब आया था और मुसलमान इलाके मफतू होते चले गए थे तो उसी की तरफ जोड़ा था लेकिन ये कि चूँकि ये भी जिक्र है कि याजूज माजूज का एक खरूज जो है वो होना है हज़रत मसीह इस्लाम जब होंगे तो उनके दौर में हो गए तो इसको फिर बाद ने तपीक किया है कि ये उनके मुख्तलिफ खरूज हैं मतलब पे बप हैं कभी किस दौर में कभी किस दौर में ठीक। कुछ लोग ये भी ख्याल जाहिर करते हैं कि याजूज और हैं माजूज और हैं और यानी जब वैश्य कबाइल होते हैं फसादी वो जब हमला करते हैं किसी मुतमदन इलाके पर उसको ताकत तो ताराज करते हैं तो उस वक्त वो याजूज होते हैं फिर okay. वो वहाँ सेटल हो जाते हैं और शहरों में रह के कुछ अरसे के बाद वो भी थोड़े बहुत महज़ब हो जाते हैं तो जब वो महजब हो जाते हैं तो वो माजूज हो जाते हैं तो इस तरह भी तश्फ़ सही आ, सुर कहाफ के दरस में आपने मौलाना मनाजिर असन गिलानी साहब का जिक्र किया थोड़ा सा इनके हवाले से तारफ़ करा दें ये जयद आलम दीन है रवायत दिवबंद के के ये मेरा ख्याल पचास के बाद उन्नीस सौ पचास के बाद फोत हुए पचास अच्छा। साठ के दरमियान कहीं फोत हुए सही तो मतलब ये हम असर हैं मोदी साहब के कह रहे हैं और जो हमारे इस तरह के लोग हैं ठीक खालसा सूरह मरियम में जब सईद मरियम ने हजरत मसीह को जना तो उस वक्त उनकी यानी लोग आए उनके पास और उन्होंने कहा कि या हारून कि ए हारून की बहन तो अब इस हवाले से एक सवाल यह है कि हारून अलैहिस्सलाम और मरियम में तो कई सालों का यानी कई सौ सदियों का शायद इसमें फ़सल है तो फिर ये ए हारून की बहन ये उनको क्यों कहा गया इसकी दो तोजियात की गई हैं एक तो ये कि शायद उनके कोई भाई भी थे जिनका नाम हारून था और वो कोई निबोत नेक आदमी थे यानी उनकी एक दीनी वजाहत थी उस माशरे में तो यानी उनके नाम को बट्टा लगा है आपके इस काम से तो उस तरफ नस्बत करके ये बात कही गई है तो मेरा ख्याल यानी जिसको ये सवाल बहुत ज़्यादा वो करें तो उसके लिए तो इतना तोजीह काफ़ी होनी चाहिए बिल्कुल ज़ाहिर अल्फाज का तो यही मतलब होना चाहिए कि उनके किसी भाई का नाम आरून होना चाहिए और वो जैसे बाज़ ने कहा कि अरून नाम था और बड़े वजी इंसान थे तो मेरा ख़्याल उनके लिए तो इतनी बात बस करनी चाहिए बाकी ये है कि एक तो जी ये की गई है कि ये हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी तो अब वो चूँकि नस्ल वही थी तो वैसे तो उन्हें बेटी कहना चाहिए था कि उनकी नस्ल से थी लेकिन ये कि ये एक उसलूब है कि वो गोया कौम जैसे हजरत साल आलाम को या हजरत वूद इस्लाम को आखा हूद कहा गया जी। ठीक है या ख़ास सबूत कहा गया तो उनके जरूरी तो नहीं कि सबके भाई थे किसी के बाप भी होंगे तो ये कौम के बड़े को इस तरह मखातिब किया जाता था तो जब वो बा, बाक़ियों का भाई है तो बाकी उसके फिर बहने और भाई हो जाएंगे तो वो बाद में भी उसके बहने भाई रह गए तो ये ज़रा थोड़ी सी लंबी है हो सकता है ये वाली इतनी लंबी वाली तोजीह बाज़ हज़रा उसे गिरफ्त में ना ले सकें तो उनके लिए वो वा आसान वाली भी मौजूद है सही यानी मुख्तलिफ मशरूम में मुख्तलिफ उसलूब होते हैं बात करने के तो उसमें से ये वैसे तो मतलब बात असल में तो समझने के लिए तो इतना कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है कि उन्हें या मरियम कहा गया या उख्ता अरून कहा गया या उख्ता मूसा कहा गया इससे तो बात के समझ में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता ये तो एक साइड इशू है आशिया का मसला है ठीक है जो असल बात समझाई जा रही है कि लोग बहुत तजुब हुए कि भाई एक ऐसी शरीफ के हाँ भाई ये क्या ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है और उन्होंने उनको उन्हों उस नस्पत से बुलाया कि जो उनके लिए उस पूरे मतलब जो भी वो कम्यूनिटी थी जो उनकी एक यूँ समझे उनका जो एजाज़ था या उनका जो तक की बुनियाद थी उस नस्पत से उन्होंने उसे पकारा ठीक और यह भी मतलब एक तरह से ताजुब के लिए ही था कि इतने शरीफ गराने में ये क्या हो गया सही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहीम ने अपने वालद से कहा कि या ला लाताबुद शैतान क्या मेरे बाजान शैतान की इबादत ना करो तो ये बताइए कि शैतान की इबादत यहाँ पर क्या वाक़ता शैतान की इबादत मुराद है या फिर उनके तरीक़े को इब्राहीम ने शैतान की इबादत से ताबीर की है अच्छा ये सिर्फ़ इब्राहीम ने ही नहीं कहा अल्लाह ताली भी आखिरत में लोगों से कहेंगे कि मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि ला तब शैतान शरा यासिन में आता है ठीक है तो और जगहों पे भी शैतान की इबादत का जिक्र किया गया तो अब इसका क्या माना है यकीनन दुनिया में ऐसे लोग अब भी हैं जो ब्राह रास्त शैतान की पूजा करते हैं तो उस वक्त भी होंगे जो ब्राह रास्त शैतान की पूजा करते हों अब उनके जो जिनको वो मुखातिब कर रहे हैं जो हाजिर हैं तो वो आया बर रास्त पूजा करते थे या नहीं करते थे या हमें नहीं मालूम बुतों की ज़रूर करते थे तो कुरान मजीद ने जगहों पर बुतों की पूजा को भी यानी ये एक उसलूब है कि आप अगर इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं कोई अल्लाह की राह से आप हट गए तो गोया आप शैतान की पूजा कर रहे हैं उसे आप अपने नफ्स की भी पूजा कहा गया है जैसे आरयता मनता हज़ा ला हवा हो हु, तो उसके पीछे भी तो शैतान ही होते हैं ना जो उसे नफ्स को भड़काने वाला या उसे बुराई पर आमादा करने वाला तो यानी इस तरह भी इतलाक भी किया गया है शैतान की जब आप बुद्धों की पूजा कर रहे हैं तो गोया शैतान की पूजा कर रहे हैं जब अल्लाह से हट कर किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो गोया शैतान के रस्ते पे चल रहे हैं हो सकता इस मानी में कहा या उस मानी में भी हो सकता है कि जैसे बाज लोग आज भी ब्राह रास्त करते हैं जी सही, और तब भी करते होंगे ठीक खासतौर पे ये जो जादू सादू के चक्कर होते हैं ये ब्राह रास्त पूजा से ही होते हैं अच्छा सही अगला सवाल हमारे अपार्टिसमेंट की तरफ से है कि सूरतहा में फ़रमाया गया फ़क़ूला लीना यानी अल्लाह ने कहा कि सलाम से कि फ़िरौन से नरमी से बात करना लईना सॉरी लईना इसी तरह हदीस में भी आया कि अदीन वन नसीहा तो जब जाबिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है तो बाज़ नासिहीन ये कहते हैं कि हक में वक्त से ज़्यादा सख्त बात ना करो और इस्तलाल में ये रवायात पेश की जाती हैं तो इन आयात का या इस रिवायत का सही महलो मकाम क्या है असल में देखें वो आ, बात यह है कि मूसा इस्लाम पहली दफ़ा भेजे जा रहे थे फिरा के पास बादशाह के पास और जो आप पर हक्का गलबा होता है और जो आपको दुख और अफसोस होते हैं उस हमाकत और नादानी पर जो लोग कर रहे होते हैं हक से हट कर तो उसका रिएक्शन आपके अंदर बड़ा शदीद होता है ये जो तलखी आपके अंदर आती है ये आपके तकबर की वजह से नहीं आती बल्कि उस गम और अफसोस की वजह से आती है जिसमें लोग पड़े होते हैं ठीक ठीक है और ये लेकिन जब आप वो तलखी का इजहार करते हैं या कोई तलख बात कहते हैं तो वो नुकसानदेह तो होती है तो लहजा बतौर ख़ास और फिर यह कि मूसम के मजाज को भी जहन में रखें कि वो ज़रा थोड़ा सा जोशीले मजाज के इंसान थे तो इसलिए अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास तलकिन की कि ज़रा बात नरमी से करनी है बाक़ी जो उन्होंने नरमी से बात की है एक तो नरमी का लफ्ज आ गया तो एक उसका मतलब बिछना भी हो सकता है जैसे हम बिल्कुल ही मुफाहमाना अंदाज और कोई आ, उनके माथे पे शिकन भी ना पड़े शिकन पड़ गई तो वो अब बात नरमी की नहीं हुई तो मूसा मूसीम का अगर पूरा वहाँ पे देखें मामला जिस तरह जाके पेशी हुई है तो फिर उन्होंने जिस तरह खोल के बात की है और जिस तरह बाज़ मौक़े पे फिर मतलब बोलता रह गया मूसा सलाम ने उसे बोलने भी नहीं दिया वो अपनी बुड़बुड़ -बुड़ कर रहा है ये अपनी बात जारी रखे हुए हैं ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये भी नज़र आ जाएगा कि मूसी इस्लाम ने बिल्कुल उसकी बातों को दर खोर इतना ही नहीं जाना है सही। तो यानी वो जो आम बादशाह तो स, जब बोलने के लिए लब अभी उसने हिलाए ना हूँ तो पूरे आ, उसमें सन्नाटा छा जाते हैं मूसा इस्लाम ने ऐसा तो कोई आदाब का लिहाज नहीं रखा फिर जो हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ आएँ कि जब उसने डटाई से ये बात कही कि इन्नी लाजुल का या, या मैं आप मूसा तुमको देखता हूँ कि तुम पे गोया जादू हो गया तो उसके जवाब का उन्होंने पूरा भरपूर जवाब दिया झूठ बोलते तू झूठ बोलने का तो नहीं कहा लेकिन ये तो कहा ना लकत अलिम कि तुझे खूब पता है कि यह उस आसमानों और जमीन के रब ने उतारे हैं ये बसायर ये बसरतमो चीज़ें वह इन्नी लाजुनों का या फिर मसबूरा और फिर मुझे यकीन है तू बर्बाद हो गए उस बात को भी बराबर किया है मसूरा को।, मसूरा को भी लाके बराबर किया तो बस यही कोय कोले लयन अगर किसी को समझ आ जाए जा तो ये वाला कोले मतलब बात के अंदर कोई बाम नहीं छोड़ा हर पहलू से वाजे किए उसकी किसी भी तरह मरूबियत का शिकार नहीं हुए जहाँ पे उसने कोई अगर हाथ से बढ़कर कोई बात की है तो अगर उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं की तो कम से कम उसको बराबर ज़रूर करने की कोशिश की है इसी से एक का हक होता है ना अब ऐसी मुफाहमत जो मदाहनत की सूरत इख्तियार कर ले उसे आप लयन कहें तो ये तो तफसर भी राय की सूरत बनी ना आपने मंशा अपने मतलब की मतलब उससे निकाल लिया तो आप पहले ये देखें कि आप अपनी पसंद का कोले लयन ना बनाए ना जिनको कहा गया था कि कोले लयन में बात करनी है उन्होंने जाके बात की कैसे यानी मूसा यानी मूसा ने कैसे की वो कौलेइन है फिर ठीक आप अपनी तशरी ना करें दूसरा ये कि इब्राहिम को देखें उन्होंने कैसे बात की है कौम को समझाने के लिए किया ना वो कोई बुतू के साथ उनकी दुश्मनी उस तरह की तो नहीं थी कि उनको तोड़ के मजा आ रहा था उन्हें बिल्कुल और फिर जब सब लोग आ गए हाँ भाई इब्राहिम तू ने किया झूठ है ये थप्पड़ है जो मार रहे हो बलफाल आप सोचे उस माशरे पर क्या गुजरी होगी किता जी मैं ये ये झूठ मूठ की बात नहीं है ये बहुत बड़ा कारीवार है जो उन्होंने उनके ऊपर किया है इसीलिए कहा ना कि वो फिर ऊंधे हो गए पहले तो उन्होंने कहा अपने दिल में क्या मिजाले में फरजाउल हाँ फिर बाद में ऊंधे हुए तो ये है कोले लइन फिर कर ले कोले लगे <laughs> जिसने करना है जी मूसा की जो बेसत है इस हवाले से मूसा ने जब फिरौन से बात की तो फरमाया कि फ़ारसलमाना बनी इसराइल तो अब इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि क्या मूसा सलाम का मकसद महज बनी इसराइल को आज़ाद करवाना था जिस तरह और ये उस कॉन्टेक्सट में बात हो रही है कि एक सवाल इस तरह आया कि जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो बाज़ लोगों ने इस तरह की आयात से मुस्लिम कौमीत के लिए दलील पकड़ी इस्लाम मुस्लिम नेशनलिज्म को किस नजर से देखता है, किस है? नाम मैं आए? मैं नहीं अच्छा पकड़ी हो सही। बाद में अगर किसी ने कही है तो अलग बात है मेरे में नहीं है कि किसी कौमी लीडर ने इसको बतौर दलील के पेश किया यह बात है कि मूस इस्लाम ने आ, अगर आप देखें तो शुरू में जो मुक् मार के बंदा वो भी एक कौमी जज्बा ही था ना कोई ठीक है उस पर तोबा कर ली बंदा मारने पर तोबा की जज्बे से तो तौबा नहीं की ठीक थी। है अच्छा मूसा इस्लाम की जुदोजुद में आप अगर ये देखेंगे तो ये चीज़ मिक्स नज़र आएगी कि जब वो फिरौन के दरबार में खड़े होकर बात भी कर रहे हैं तो जब उसने कहा कि जी आप तो हमारे घर में ही पले थे तो उसके जवाब में कहा इसके बदले में पूरे बनी इसराइल को गुलाम बनाएगा तो यह भी अगर आप देखें तो एक बनी इसराइल का मुकदमा है जो उन्होंने पेश किया है तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कौमियत की कोई हैसियत ही नहीं होती ठीक है ना आप, आप अपने कबीले के लिए भी अगर मजलूम है तो कोई ना कोई बात खड़ी कर सकते हैं वो तो था ही कबीला वो तो नस्ली बुनियाद पर था तो मुस्लिम कौमियत बैरल होती तो नजरी बुनियाद पर है कलमे की बुनियाद पर होती है बिल्कुल ठीक है जो हमारी है नस्ल की बुनियाद पर तो नहीं होती है। तो इसलिए गुंजाइश तो ज़रूर निकलती है बाकी इससे यह समझना कि मूसा इस्लाम ने फिरौन के सामने कोई पैगम्बराना दावत पेश ही नहीं की ये गलत बात है अगर यानी मतलब जो बाज जगहों पर कुरान मजीद का उसलूब है वो तकदीम और तखिर कर देता है ठीक कोई चीज़ मतलब किसी जो जिस कांटेक्स्ट में पहले कहने की होती है वो पहले कह देते हैं तो उस वजह से बाद लोगों को ग़लत फहमी हो जाती है कि भाई मूसा इस्लाम ने जाके बनी इसराइल के निकालने ही का मतालबा किया था और कोई बात रखी नहीं थी लेकिन अगर बाकी सारी मकामा को सामने रख के देखें तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि सरा तहा कि हम रसूला रब्बिल आलमी ठीक है ना और सलामती है उसके लिए कि जिसने हदायत की पैरवी की ठीक तो इसके अंदर वो यानी ये तो सिर्फ कुरान मजीद ने नकल किया है ना अल्लाह ताला ने उस वाक्य को इस पैराए में नकल किया तो अब वो दावत जरूरी नहीं कि यही इन्हीं अल्फाज में दी गई हो इससे ज्यादा भी हो सकता है एक बड़ा वाक्य है उसको आप छोटा करके हमारे कंसर्न नहीं है तो थोड़ा सा बयान कर दिया सही तो ये समझना कि उसके सामने बिल्कुल ही दावत नहीं रखी गई तो ये यानी फिर अल्लाह ताला ने भी कौमियत के जज्बे के तहत मारा है फिर को ठीक <laughs> है ना फिरा अलाक हुआ है ना जी बिल्कुल उधर आप वो जो है ना इतम उजत वाले मसले का क्या करेंगे कि अल्लाह ताला किसी को भी सजा नहीं देता इतम उजत के बाद तो वो इतमाम उजत अल्लाह की तरफ से होता है ना अल्लाह के दीन का होता है सही। तो यहाँ तो मसला तो अगर सिर्फ कौमी था तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने सजा तो नहीं देनी थी ना इतनी शदी तो इसलिए यह समझ लें कि बिल्कुल ये तमाम उज्जत वो वाला भी था उस पर जैसे लकत आलिम त मा अनजला हाँ उला रबाव सही ये अल्फाज बोल रहे हैं कि उसे समझ वो किसका हुक्म टार रहा है उसे समझ आ रही थी और इसमें उस वो तो जो आगे वो जो बहस चलती है कि वो जो कहते हैं वो मुड़के ये बनी इसराइल का मसला तो नहीं उठाता है फिर और फमर को कुमला तुम दोनों का ये रब आला कौन है या मूसा ये भी तो बताना फिर मूसम की सारी तकरीर रबुल साबित करने पर ना ठीक आ, सवाल नेक्स्ट ये है कि आज के दौर में साहिरों का मकाम किस को हासिल है और क्या आज इस्लाम अपने इर्द गिर्द मौजूद मुख मुखालिफ नज़रियात को शिकस्त दे सकता है जिस तरह मूसा स्ल्लाम ने साहिरों के शहर को शिकस्त दी असल में देखें वो जो यानी उस वक्त तो वो साहिर जो भी हैं उसको समझ वो वहाँ के इल्म फ़न सही यानी वो सिर्फ जादूगर ना समझें तो उन्हीं फ़नून में से एक फ़न जादू का भी था वो भी वोसीख लेते थे उन्हें हो सकता वो मौसीकी के भी फ़न में अपनी एक मकाम रखते हूँ तो ये असहाब फन थे जो भी थे ठीक है तो अब उस मानी में फिर अब तो स्पेशलाइजेशन का दौर है बिल्कुल तो पहले एक ही आदमी के अंदर जितनी कुछ होता था वो अब एक एक आदमी आज उनमें से एक एक चीज लेके बैठा होता है तो आप आज अगर सहिरीन तलाश करने हों तो फिर वो मुख्तलिफ शोबों में तकसीम हो गए होंगे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस पर वो टोपी पूरी तरह फिट होती है बहुत से होंगे अल्बत्ता ये कि ये तो है ना कि उनसे वो ए, मुकाबला जो कराया हक का तो आज हक़ को दबाने के लिए जो जो वसाइल या जो जो, जो फ़नून ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हों वो मौसी मौसीकी का फन हो वो जो है ना जिसम का आर्ट का कोई हो या जो भी आप वो नज़र बिन हारिस वाली जितनी भी मेथोडोलॉजी है सही उसको कर लें उसमें खेल को भी शामिल कर सकते हैं ये भी तो आर्ट होता है ना खेल भी आर्ट है और ये भी लग लोगों को मस्त रखने के लिए टाइम ज़ाया करने के लिए होते हैं ताकि वो जो उनका फारिग वक्त है वो कहीं सोचू में ना चले जाएँ बेहतर है कि हमारे साथ इंगेज जाएँ इसी तरह ड्रामे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप फिर उस पर इंतबा कर सकते हैं जो गाफिल करने वाली चीज़ें क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि क्या आज इस्लाम में वो क़ूत है कि वो जिस तरह से मूसा स्ल्लाम का जो अजह है उसने बाकी सबको को निकल लिया था तो इसी तरह जो मुखालिफ नज़रियात और अफकार हैं उनको भी निकल ले देखें वो तो है यानी ये दौर उससे बहुत मुख्तलफ़ है ये जहन में रहना चाहिए बिल्कुल और यही वजह है कि नबी सल्ला व्लम को कोई इसी मोजे उस तरह के दिए भी नहीं गए तो जब निगलने की बात आएगी तो बात यह है कि कोई इस्तलाल ही की बात होगी सही तो जब इसलाल की बात होगी तो बहरहाल उसकी तरफ वही आदमी मुतवजह होगा जो कुछ तोज्जो कुछ दे उस पर कुछ फोकस हो तो वो इन फनों से निकलेगा तो जरा देगा तो तब होगी ना बात है। ठीक ठीक है एक मसला ये है बाकी ये कि वहाँ पे वो निगल तो गया था असाय मसा उस सबको सही उस माशरे पर असर क्या पड़ा था उसका तो साहिर मुसलमान हुआ था सिर्फ साहिर मुसलमान ठीक है जिनको पता था कि ये क्या है ठीक बाकियों के लिए इस और उसमें फर्क करना ही मुश्किल हो गया था अगर किसी के दिल में कोई बात आई भी थी तो वो फिर की एक बात नहीं कहती है तुम्हारा उस्ताद है तुम सब इसके शागिर्द और मिलको हमें यहां से एक बयानिया उड़ा गया तो काउंटर नरेटिव वालों के लिए खुशी है क्या अंशय का काउंटर हो सकता है फिर ऑन ने कर दिया काउंटर मोजे का कर दिया और फिरौन की सुनी गई मूसा की नहीं सुनी गई तो जिस कौम ने हलाक उन बर्बाद उन हो तबाह उन्ो उसकी ऐसी मत मारी होती है कि वो यह भी देख के उसे नहीं समझ आती तो ऐसी कोई नुस्खा आपके पास कभी भी नहीं होता कि जिसके आगे लोग बिल्कुल झुक जाएं इस तरह वो गर्दने झुका दें नहीं जो अपनी मस्ती पे आए हैं वो उस पर रहते हैं जिस हाल में मस्त हैं उससे निकलने के लिए तैयार नहीं होते बेशक आपकी दलील कितनी ही ताकतवर दूसरे की दलील को चट कर गई हो

जी उजुर पेश कर सकते हैं तो लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मैार रखे हैं जिसके लिए नूर रखा है उसका मैार और है जिसके लिए नहीं रखा उसके लिए मैार और है मसलन अगर उस नूर से मराद जो हम लेते हैं रू तो वो रूह जिन में तो नहीं होती ना बिल्कुल तो जिन जन्नत में जाएंगे जाएंगे ठीक है कुरने मजि से साबित है दो जन्नत हैं जिनका जिक्र सरा रहमान में है ठीक है तो वो फिर किस बुनियाद नूर तो उनके पास वो वाला नहीं है तो कोई ना कोई आपके अंदर स्पार्क ऐसा जरूर होता है उसके अलावा उस रूह वाले नूर के अलावा कि जिसने जिसकी वजह से आप यानी समझ सकते हैं उस बात को एक लेवल पे जैसे याजूज माजूज का हमने पढ़ा था कि भाई वो इस्लाम कबूल करके भी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे या फसाद नहीं छोड़ेंगे जैसे जिन्नू के बारे में आता है वो फिर भी झूठ बोलते रहते हैं भाई उनका अल्लाह ने हिसाब लेना उसे पता है भाई इनके अंदर क्या पोटेंशियल था और इन्होंने किया क्या अब रह गई ये बात कि जिनके बारे में ये कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि जिनका नूर होता है उन्होंने ज़ाया कर दिया होते हैं अच्छा वो उस पर तसुबात के पर्दे आ गए होते हैं उसके ऊपर मुफादात की तय चढ़ गई होती हैं उसको जंग लगा दिया होते हैं तो ये उनका इतना बड़ा जुर्म है कि सिर्फ इस एक जुर्म पर की इतनी बड़ी उन्होंने ज़ाया कर दी इस एक जुर्म पर भी तो उनके लिए सजा के मुस्तक हो सकते हैं सही अगला सवाल यह है कि मूसा स्लम ने जब फ़िरौन को दावत दी तो जवाबन फ़िरौन ने कोई यानी पॉजिटिव उस पर तर्जमल अख्तियार करने के उसने ये कहा कि तुम और हारून जो हमें निकालना चाहते उस ज़मीन से और इसके अलावा भी उसने यानी जिसे आज के दौर में प्रोपीगेंडा कहा जाता है उसका इजहार किया तो ये बताइए कि जो भी ताहुती ताकतें होती हैं उनकी जानब से आज के दौर में प्रोपेगंडे का क्या मौसर जवाब दिया जा सकता है अगर देखें Uh, मौसर जवाब तो तोाहिर uh, उसके लिए आपका uh, वो कितना है uh, आपके uh, वसाइल कितने हैं उस पर मुनसर है ना मौसर जवाब एक तो आपका है बस वो आपके पास है वो लोगों तक पहुँचेगा तो फिर uh, लोगों पर आपके मौसर जवाब का कोई असर होगा सही जबकि जो जिसे आपने प्रापिगंडा किया है कहा है वो स्टेट मशीनरी से किया जा रहा होता है उसका कोई तोड़ आपके पास नहीं होता ठीक और आप तो यानी आपको मौके मुआ, ही नहीं मयसर होते उस लेवल पर जाके बात करने की ये तो आपका एक बड़ा महदूद दायरा होता है जिसमें आप अपने हक की बात जिसे आप समझते हैं कि मैं उस प्रोपेगंडे का तोड़ कर रहा हूँ कर रहे होते हैं वो तो बस आप अपने ही पाइप के अंदर ही कर रहे होते हैं बाकी दुनिया में तो वही शायद फैल रही होती है जो रियासत की सतह पे फैलाई जा रही होती है सही तो हमारे हमारा दौर तो इस एबार से यानी वहां पर तो जी योम जीना है सारे इकट्ठे हो गए जो मुकाबला हुआ पूरी की तो सब पूरी गया शहर की हद तक तो सबको मालूम हो गया कि भाई क्या हुआ है आज तो यहाँ तो जब आपका वो ब्लैकआउट हो जाता है कोई कि कि किसी बात का तो खबर ही नहीं लगती पता ही नहीं होता कि आपने कहा क्या है लेकिन सर सोशल मीडिया ने इस चीज़ को जरा कम नहीं कर दिया जो रियासती यार सोशल मीडिया ये ये असल में ये क्या होता है सोशल मीडिया मतलब मेरा एक दायरा है चलें जी वो मेरे सामने जो जब भी मैं खोलूँगा तो वही आएगा क्या वही कुल सोशल मीडिया है नहीं तो यह भी एक डिसेप्शन है कि मैं ये समझता हूं कि मेरी बात जा रही है ठीक। सोशल मीडिया भी पूरी तरह मैनेज हो रहे हैं ट्रेंड सेट किए जाते हैं नहीं जो रोजाना की बुनियाद पे जिनके पास वसाइल है जिनके पास वसाइल है वो कर लेते हैं वो क्या होगा कोई कि को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इतनी उड़ा दो उतने उड़ा दो अकाउंट उड़ा तो उड़ा के भी कितने होते हैं चौकियां उड़ गई चौकियां फिर बन गई सही तो ये कोई मसला नहीं है सोशल मीडिया मेरा ख्याल है इतना है कि आपको दिल की बढ़ास निकालने के लिए वो जो पहले बंदा कहीं किसी जो है ना कूने खदरे में शोर मचाएगा आप जरा यह है कि छत पे चढ़ के शोर कर लेते हैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है सोशल मीडिया सूर्यम सूर्य अम्बिया में बुत तोड़ने का जिक्र आया इब्राहिम के हवाले से और इस पर इकबाल ने चुका है कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है सलम कदा है जहाँ ला ला तो इस दौर के बुतों को कैसे पहचाना जाए ये सवाल है खैर इस दौर के बुत तो देखें इब्राहिम ने जो बुत तोड़े थे जाहिर वो लोगों को पसंद थे नेकी का जज्बा था लोगों के अंदर और जितना बुत के सामने बैठ के वो तोजोर नमा के साथ इबादत कर सकते थे इतना तस्वर तख्युल के जरिए से नहीं हो सकती थी तो इसलिए बनाए हुए थे तो ये एक ऐसी शय थी कि जैसे हमने पढ़ा था ना सराया नाम में ज़ुखरफल कौल वरूरा तो ये एक जुखरफल खल के गरूरा थी जो उन्होंने बनाई थी अब इस एतबार से हमारे लिए पुरकशिश चीजें क्या हैं जो हमारे इर्द गिर्द साइंसी इजादात के जरिए से ये जो दुनिया को नजर को खीरा करती है चमक तहजीबें हाजिर की तो बड़े बुद्ध तो फिर अब ये बन जाएंगे जिन्होंने हमारी सारी तवज्जो अपनी तरह मुतवज्जे कर दी है। और इंसान उसमें खो गया है जल्ला सा योम खिलाई दुनिया हो गए क्यों हुआ ना यही कुछ हासिल करने के लिए हुए ना अब उनको सजदा नहीं किया जाता सजदा की रस्म नहीं अदा की जाती उनके सामने लेकिन हम उनके आगे सजदा रेज हैं अपनी शख्सियत समेत हमारी कुल मेहनत कुल कोशिश सब उसी के उसूल के लिए दुनिया को जन्नत बनाने के लिए है। ठीक।, ठीक है ये 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 वो ज, ज, जिस बुत प्रस्ती में हम सभी गिरफ्तार हैं वो अवैध में छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें ठीक है उससे आगे फिर और भी हैं जब चलो इंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है ठीक है तो वहाँ तक कितने बेचारे वतन हैं जिनका कोई मुहब वतन नहीं है <laughs> उनके नाम पे तो होता है सब कुछ लेकिन ये कि फिर जो कुछ होता है सबको पता है कोई ऐसी मुहब वतनी ही होती है मुइब वतनी नहीं होती लेकिन ये वाली मोहब्बतें तो सब की हैं ना दुनिया बनाने वाली ठीक ठीक है तो जहाँ यह कहा कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में और सनम कद तो वो सनम सनम ये है ना इसीलिए कहा मैं साग में डाला गया हूँ मिसले खलील ठीक है ना वो तहजीब दानिश हाजिर भी तो एक अजाब है ना और लोग उसमें गुम नहीं होते हैं ठीक है ना और बाज तो चलें कोई तो वैसे ही स्पेशलाइजेशन के चक्कर में गुम हो जाते हैं हसरत तो उनचू पर होती है ना जो नश्त सानिया के लिए भी जाके गुम हो जाते हैं <laughs> आखिर जुखरफल कौल भी तो किसी शेय का नाम है ना ठीक ठीक है ना तो इस तरह भी होते हैं लेकिन फिर इससे मिसले खलील निकलने की क्या सूरत है देखें सर ये तो अब एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है ना ठीक ठीक है ये कोई इसके लिए किसी को बाहर से कोई हमत अमली तो नहीं दी जा सकती आग में छलांग लगाने की कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई जा सकती नहीं बनाई जा सकती ठीक है ना तो जैसे मेरी जन्नत मेरी ऐसे मेरी दो जख मेरी ठीक है ये तो फिर आप किसको ये चीज कितने अट्रैक्ट करती है तो उतना वो उसमें जलेगा मिल गई तो भी जलेगा नहीं मिली तो भी जलेगा और किसके पास वो रस्सी आ जाती है उस, उस आग के कुएं में कुरान मजीद की जिसको पकड़ के वो बाहर निकल सकते हैं नहीं तो जलन यही दज्जाल की जन्नत है जो हकीकत में दोजक है इसलिए कहा जिसको मिल गई वो भी जलेगा जिसको नहीं मिली वो न मिलने के गम में जल रहा होगा तो इसकी तो सिर्फ तड़प ही इसकी लगन ही दोनों सूरतों में जलन की पैदा करती है और निकलने का रास्ता सिर्फ रस्सी है कुरानी मजीद हाँ वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर हो मौजूद से बेजार करे और वो इमाम मुझे बताएं जो करता हो कुरान के सही अगला सवाल हमारे पार्टिसिपेंट हैं एहसान साहब पूछते हैं कि कहा जाता है कि किताल के लिए हिजरत ज़रूरी है और हिजरत तब तक नहीं हो सकती जब तक इतम हजरत ना हो जाए और इतमाम हजरत तब तक नहीं हो सकता जब तक रसूल वो खुद आकर कर ना दे जब तक रसूल को हजरत का हुक्म ना मिले तब तक कौम पर अजाब भी नहीं आता मिसाल इस हवाले से ये फिर ये पेश की जाती है कि कौम यूनस जहाँ हज़रत यूनसम को हजरत करने का हुक्म अभी तक नहीं मिला था लेकिन उन्होंने हजरत कर दी नतीजतन कौम पर अजाब के सए आने के बावजूद अजाब ना आया इस हवाले से वजात करते अच्छा खैर मैं सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ किताल के लिए हिजरत ज़रूरी है किताल के लिए हिजरत जरूरी शुरू तो नहीं है यहाँ से ये तो असल में खैर मेरा ख्याल ये है कि बात कोई फ़र्ज तो नहीं है मेरे इल में तो नहीं है कि फ़िका में कोई ऐसा शर्त हो किताल की ठीक ठीक है कि भाई किताल तभी हो सकता है जब आपने हिजरत कर ली उसके बगैर किताल नहीं हो सकता ये मेरे इल में कोई इस तरह का मसला नहीं है अलबत्तः ये बात है कि आज के दौर में आपने अगर जंग करनी है तो ज़ाहिर है आपका कोई बेस कैंप होगा सही कोई तो जगह होगी ना कोई तो मरक़ बनाएंगे जहाँ जाके बैठेंगे अपनी क़ुत मुजतम करेंगे और फिर कहीं अटैक करेंगे मिसाल के तौर पर जैसे कभी आज़ाद कश्मीर हुआ करता था उसको हम कहते थे यार, वो नहीं वो, ऐसे ही वो, है, उसको है। नहीं, वो तो सारा कर रहा हूँ छोड़े मिसाल को सही ठीक है।, है कि भाई जब भी आपने जंग करनी होगी तो कोई तो आपका मर्कज होगा ना जहाँ से बैठ के आप मोर्चे बनाएंगे कोई हथियार रखेंगे कुछ ठीक है कोई लॉन्चिंग पैड आपका होगा तो वो आपका बेस कैंप है तो जाहिर है उसमें आपने कुवत मुजतमय करनी है तो इधर वो जगह आप पोजस करेंगे सही ठीक है तो मतलब ये इस हद तक तो यानी लॉजिकल है कि जहाँ या किताल से पहले अगर आपने किताल करना है तो ये आपको करना पड़ेगा तो नबी अलैहि वसम के दौर में वो चीज़ जो है न मदीने में बनी थी बेस कैम्प वह बना था तो वह सारा हजरत लाजम हो गई थी दीनी एतबार से तो हजरत उसके बाद खत्म हो गई सही ठीक है अब इजरत फर्ज नहीं है वही फ़र्ज थी अब ये ज़रूरत के ताल की होना एक अलग बात है जब भी आप के ताल करेंगे आपको कोई ना कोई बेस कैंप बनाना पड़ेगा जहां से आप करेंगे तो वो इजरत आपको करनी पड़ेगी उस तरह की इजरत नहीं होगी कि सारे खानदान भी आ जाए या जो भी है वो तो इस नहीं वहां जमा होना पड़ेगा बरन इस हद तक बात है बाकी जो उन्होंने दूसरी बात उठाई है कि जना वो इजरत के बगैर अजाब नहीं है तो असल में हिजरत और किताल एक उन्होंने ये उठाए हैं दूसरा हिजरत और अजाब इसको आपस में जोड़ा है जी तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको जरा फ़र्क मालूम हो जाए कि यूनुस सलाम को जो उन्होंने हिजरत की का कहा है तो वो हिजरत किताल के लिए तो नहीं थी नबी अलैहि वसल्लम की हिजरत तो किताल के लिए थी हजरत सलाम की हिजरत तो किताल के लिए नहीं थी या जब हजरत नू अस््लाम को कहा गया कि अब कश्ती पर बैठ जाओ अजाब आ रहे हैं तो वो हजरत किताल के लिए थी नहीं, तो थोड़ा सा तो वो अपने जहन में इस फ़र्क को मलूज कर लेना इसका लिहाज कर लें कि ये जो उन, उनका कुछ मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा चीज़ें गड़मड़ हो गई हैं हिजरत को कितल से जोड़ना और हजरत को अजाब से जोड़ना इसमें थोड़े फ़र्क उनको सामने रखना चाहिए और उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि हिजरत तब तक नहीं हो सकती जब तक ना हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो जब असल में कहना यह चाहिए कि अजाब उस वक्त तक नहीं आ सक, आता जी ठीक है अब अजाब की दो सूरतें हैं कि वो आसमान से आता है या अल्लाह कौम को ग्रोह में तकसीम करके किताल की सूरत में अजाब मसलत करता है काफिर कौम के ऊपर यही दो सूरतें हो सकती हैं ये है असल में मेरा ख्याल है जो वो इशूज रेस करना चाहते हैं इस सूरत में वो उसका ताल्लुक इतम उजत से जुड़ जाएगा सही। क्योंकि अजाब इतम उजत के बाद बगैर नहीं आता तो अब अजाब की आने के पीछे जो है ना इतमामजत का होना जरूरी है सही। तो इतमाम हजत के बाद ही अजाब आएगा और अजाब की दो सूरतें आगे या तो किताल की सूरत में होगा या अल्लाह तला आसमान से या जमीन से निकालेगा यही दो सूरतें हो सकती हैं तो वो वाले इतम उजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे की और उसके बाद फिर अजाब उन पर गजवाए बदर से लेके तो फ़तः मक्का तक गजवाए हुनैन तक आता रहा किस्तों में और फिर उसके बाद वो सूरा तौबा में ऐलान हो गया कि अब तुम्हारी यहाँ से बेवकूनी हो गई है वही अजाब इस्तिसाली की आलमोस्ट सूरत बन गई कि भाई कोई मशरक़ अब यहाँ पर नहीं रह सकते ये जहन में रखेंगे पहले जड़ कटती थी किसी नस्ल की अब ये उम्मत ये वाली उम्मत मुख्तलिफ उम्मत है ना ये अब नस्ली नहीं है ये नजरी हो गई है तो उस नजरिए की बेहकुनी होगी या नस्ल की बेहकुनी नहीं होगी ठीक नजरिए की बेहकुनी होगी ना मुशरक़ाना नजरिए की बेहकुनी होगी उस नजरिए का अमल कोई फर्द अब इस सराउंडिंग में नहीं रह सकता तो बात वही होगी जो पहले होती थी ला हम मशरकों के घर तो हैं, मुशर उन घरों में नहीं है वह माहिद रहते हैं तो एक फर्क तो ये हो गया बाकी नबी सल्लाम के बाद आप जो निज़ाम कायम करके गए हैं उस निज़ाम की मौजूदगी ही इतमाम उजत है ईरान पर और बाकियों पर बाकी अगर कोई यह समझता है कि एक खत लिख देने से इतमाम उजत तो होगी कैसर कर पर तो जरा उस दलील का तो अंदाज़ा लगाएं कि अबू जहल पर इतम में उजत कैसे हुई बीस साल में पंद्रह साल में कम अज कम पंद्रह साल कम अज कम पंद्रह साल, साल, साल में और उसकी जुबान में और उसी के महल्ले के बंदे ने जो ब नफसे नफीस जो रसूल है उसने की उसके ऊपर फिर जाकर उस पर अजाब आया इधर जनाब कैसर साहब को एक खत आपने लिख दिया तो बस इतमाम उजरत होगी भाई एक खत लिखने से भी इतमाम उजरत होती है उस खत के पीछे वो सारी स्ट्रगल है उस खत के पीछे वो निज़ाम है वो स्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है और जब वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो खत लिखने की ज़रूरत है भी नहीं वो तो नबी नहीं भी है तो स्ट्रक्चर की मौजूदगी में होगा तो ये तो ए, उस वक्त की बात होगी लेकिन मैं अभी इसको छोड़ना नहीं चाहता ना क्योंकि ए, इसकी पूरी वो करना पड़ेगी तो आज अगर कहीं इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो वो ए, दिफाई जात तो खैर सभी मानते हैं ना वो तो अकवा मुतहद भी उसकी इजाज़त देती थी। है ठीक वो हो गया नंबर दो ये है कि इकदामी जात का मसला है उसके लिए कहते हैं कि कहीं के खात्मे के लिए आप एकदम ईजाद कर सकते हैं ठीक है अब कुरान मजीद ने उस जो एक बात कही है एक तो अलाए कलमतिल्ला के लिए है चले वो तो है वो उसको नहीं मानते अगर वो अगल में तो इलामतिल्ला भी जुल्म के खात्मे के लिए ही होते हैं अच्छा लेकिन ये कि सुरय अन्फाल में हमने पढ़ा था कि जो दूसरे काफिर इलाकों में मुसलमान रहते हैं वो अगर तुमसे मदद तलब करें तुम्हारे ऊपर उनकी मदद फर्ज है यह तो हो गया मुसलमान के लिए मदद वो भी जात भी सभी होगा अगर चाहे कि आप मुसलमान की मदद के लिए जा रहे हैं ठीक है क्योंकि अल्लाह ने यह हुक्म दिया फर्ज करें काफिर आपको जुल्म काफिर पर हुआ है वो मदद मांगते हैं आपसे फिर भी आप पर फर्ज है जो ये कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आप जात कर सकते हैं तो जब मुसलमान ने मदद मांगी है तो आप पर फर्ज है उनकी मदद करना बिल्कुल जब काफिर मदद मांगे फिर भी फर्ज है हालांकि जुल्म तो काफिर पर भी हुआ है तो इसका मतलब जुल्म की मसला नहीं है ये मसला मुसलमान का है वैसे जुल्म का खात्मा आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है लेकिन वह एलाइकिल्ला उसके बुनियाद बनेगी आप जाके ये यानी हम जुल्म ख़त्म करने आए हैं जैसे अमेरिका कहते हैं ये आपका मसला नहीं है आप कहेंगे ये चूंकि उसके पीछे असल में वो जज्बा वो वाला है ना कि लोगों को उनके रब के साथ जोड़ा जाए हाँ अदल कायम करने के लिए और वो अदल जो अल्लाह ने दिया है ठीक।, ठीक है ना इस्लाम के लिए आए इस्लाम का लॉ ऑफ द लैंड इस्लाम का होगा हम आपका मजहब बदलने नहीं आए इस्लाम का अदल तो अब जब आपने इस्लाम का अदल डिटर्मेंट कर दिया तो ये तो सिर्फ जुल्म के खात्मे की बात तो नहीं है अच्छा अभी भी नहीं बात खत्म हुई अगली उसमें हम जिस जगह पे हैं, हम तो अभी इस चक्कर में ये बहुत ही आगे का सवाल है अगली नस्ल का सवाल है ये जितने अभी हमने डिस्कस किए किताल का मरला तो आपको उस वक्त पेश आएगा जब आपने इस्लामी रियासत कायम कर ली उससे पहले जो हमने हमत अमली वजह किया उसके अंदर तो किताल शामिल ही नहीं है इजरत का मसला भी नहीं है सही इजरत का मसला तो तब हो जब हम अगर, अगर अपनी अमली में किताल को रखें तो हमारी मेथडोलॉजी में तो किताल है ही नहीं इतना ही है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता जहां अब हम खड़े इशू ही नहीं है हमारा ना हमने किसी को इजरत का कहना है ना हमने किसी को किताल का कहना है हम तो एक अवामी तहरीक की बात करते हैं बस हम लास्ट सवाल लेते हैं अपार्टमेंट की तरफ से सवाल आया और वो पूछते हैं कि सूर्य कहफ के आखिरी आयत में फ़रमाया गया है कि कुल इनमाना बशरम मिसलुकुम और इसी हवाले से जो एक नूर व बशर का एक मसला हमारे यहाँ है उस हवाले से उन्होंने सवाल किया है कि नूर बशर जैसे मसले क्यों फूट पड़ते हैं हमारे दरमियान क्यों मुसलमान इस तरह के मामलों में फ़राग दिली अक़लमंदी और अतदाल के बजाय अफरात तफरीर पर उतर आते हैं ऐसा रवैया क्यों है असल में देखें ये होता है कि भाई ए, ए, अपना अपना रुझान होता है कुरान मजीद में उससे मिलती जुलती आयत मिल जाती है तो अपना रुझान उस आयत पर चस्पाँ कर लेते हैं या उस आयत को वो वाला जामा पहना देते हैं जो भी आप समझें ठीक कुरान किसी और कॉन्टेक्ट में बात कर रहा होता है हम किसी और में जाके उसे फिट कर देते हैं वहाँ पे जो बात हो रही थी जिसमें कि वो बात कही गई है आ, बुनियादी बात यह है कि हर रसूल को उनकी उम्मतों ने इनकार इस बुनियाद पर किया है कि तुम हमारी तरह के बशर हो ठीक ठीक है तो उसके जवाब में जब आप कहते हैं यस मैं हूं तो यह उसका कॉन्टेक्स्ट है बाकी जो बड़ा फर्क है बता दिया युखा इलाया नमा इलाकुम इला मेरी तरफ वही किया जाता है तुम में से किस शक्ल पर वही आती है फर्क हो गया या नहीं हो गया तो बिल्कुल मिसल हो गए जाहिर मिसल की बात की गई है उस भाई ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया उनके पास फरिश्ता आते हैं उनके पास नहीं आते तो जो भी मुखालिफ ताकतें होती हैं उनकी तो कई किस्म के बाने होते हैं ना उन्होंने ये नहीं कहा था फरिश्ता हमारे सामने आए ये नहीं कहा अल्लाह हमारे सामने आके बात करें तो असल इशू यह हो रहा है जिसमें जिस वो बात की गई है बाकी नबी वसल्लम से ये भी साबित है कि जब कुछ लोगों ने हुजूर वाला रोज़ा रखने की कोशिश की रात अगले दिन वाला भी तो हुजूर ने फरमाया आइयो कु मिस तुम में से कौन मेरी तरह है तो वो जिस मानी जो मानी उससे एक ख़ास हमारा ले रहा होता है तो उसके बिल्कुल मुखालिफ अदिस भी मौजूद हैं कि तुम में से कोई मेरे मिसल नहीं है और बाकी ये मसले पैदा मैंने बताया इसलिए होते हैं वो हमारी उसे शार्ट सर्टिडनेस के हैं या फिर हमारी वो जरूरतें बन जाती है ना हमारा एक टैग बन जाता है उसके तहफ़ के लिए फिर हमें अपनी वो आयतें सारी निकाल के अपने पास रखनी पड़ती हैं जो उस टैग जो भी हमने अपने एक बनाया है वही करना पड़ता है तो बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कुरान मजीद ने जा बजा कहा है और मेरा ख्याल है कोई इलमी बंदा कोई जो कुरान मजीद का तर्जमा भी पड़ा हुआ हो इसका इनकार भी नहीं कर सकता किसी भी मकतब फिक्र का फिर हो फिर यही होगा कि भाई वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप कहते हो और ये बात सही है सही। अगर कोई बंदा उस तरह कहे कि बिल्कुल एक जैसे थे और ये था ये तो फिर बिल्कुल गलत बात है और मेरा ख्याल है झगड़ा यही बनता है कि जब आप इस तरह बात करते हैं ना कहे जी बिल्कुल तो फिर उस पर झगड़ा खड़ा हो जाता है दूसरा कहते हैं यार ऐसा तो नहीं है वो फिर ये नहीं कहता कि वो एतदाल वाली बात करे वो फिर अगली जा के करते हैं ना अथे रख और वो फिर वो वाली आयतें लेके आ जाते हैं कि देखो ना नूर भी तो थे ना कि नहीं थे तो हमेशा इस तरह की चीज़ों में होता यही है कि जो आपको अगर फ़र्ज़ करें दो इंतहाँ भी नज़र आ रही हूँ तो हकीकत उनके दरमियान होती है ये आपको दो जगह बता दी गई होती हैं तो उनमें तदबीक करनी होती है वो उसको कहीं दरमियान में लेके आना होता है उधर ही खड़े हो जाना ये उस वाली को बिल्कुल इग्नोर कर देने के मुतरादे होते हैं या तो आपकी सोच यूं करती रहे ना कभी वहाँ हो कभी वहाँ हो फिर भी चले कुरान का आकादा होता रहेगा लेकिन ये इस तरह ज्यादा अरसा रहेगी नहीं ये कहीं आके ठहरेगी और असल जगह वही होगी जब आप वहाँ स्टिक कर गए आपने अपने साथ ज्यादा कर दी कुरान में अगर ये है तो इसको भी मान लें चलें पहले पहला स्टेप ये है आपको पढ़ते हुए वो मिला तो फिर इसको मान लें कुछ अर्सा इनके दरमियान झूला झूल लें फिर सेटल डाउन हो जाएगा कहीं वो डिस्क्राइबेबल नहीं है नहीं तो अल्लाह ने डिस्क्राइब कर दिया होता है इसलिए ये दो जगह बताई दरमियान में कहीं तलाश करो सही चले हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है नजर आपके सवाल भेजने का और प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया कल इन शाह दोबारा आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफ